नेम जीसस में आप सब लोगों को स्वागत करता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु की कहानियां के एक नए एपिसोड में आप सभी का आज स्वागत करती हूं मैं, कि आज हम बाइबल में बाइबल परमेश्वर के वचनों से हम कुछ चीजों को एक कहानी को आज सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हम अपनी जिंदगी में आजकल के दौर पे हम भूल चुके हैं कि परमेश्वर की बातों को हमें कैसे सीखना है। लूका के 5 अध्याय में हम जानते हैं कि वहाँ पर एक ऐसी कहानी है कि जब यीशु लोगों को प्रचार कर रहे थे नदी के किनारे, कि पतरस जो था, सिमोन थे, नदी के किनारे एक बोट, एक नौका, एक नाव में बैठ के परमेश्वर जब प्रचार कर रहा था, तब उसके द्वारा जब जैसे ही उनका प्रचार खत्म हुआ उसी के बाद परमेश्वर ने पतरस से कहा कि अपना जो नाव है वो नाव को समुद्र के बीचों बीच लेके चले, नाव गहराई में लेके चले और मछली को पकड़। केवल पूरी रात भर, पिछले ही रात भर पतरस और सिमोन ने बहुत कोशिश की, वो नदी के किनारे के थोड़े ही दूरी पे मछली पकड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो अपने बुद्धि से जा रहे थे, वो परमेश्वर की बात तो नहीं लेकिन अपने बुद्धि के सहारे से मछली पकड़ने के लिए निकले थे। लेकिन जब यीशु ने कहा कि हमें कि उन्हें नाव को समुद्र के बीचों बीच गहराई में लेके जाना बहुत जरूरी है, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि जब भी हम गहराई में जाते हैं, बहुत बड़ी परेशानियों में जाते हैं, बहुत गहरी मुश्किलें में जाते हैं, तो केवल हमें ये नहीं सोचना कि परमेश्वर ने हमें कौन सी जगह पे रखा है, लेकिन हमें ये सोचना है कि परमेश्वर हमें एक ऐसा चीज देना चाहता है जिसके लिए जैसे ही ये परेशानियां हम परमेश्वर के सामने से उसे ओवरकम करेंगे, उसे पूरा करेंगे, तो परमेश्वर हमें कुछ नया देगा। तो जैसे ही पतरस और शिमोन अपने नाव को समुद्र की गहराई में लेके जाके अपनी जो मछली के जाल है वो फिर से जब समुद्र में डाल दिए, तब उन्हें इतना मछली हुआ कि जो नाव था वो नाव भी कम पड़ गया था, मछली उतनी थी। तो ये कहानी थी आज जो मैं आपको बांटना चाहती हूँ इसके माहौल के अंदर, कि आज अगर आप एक ऐसे परेशानियों में हो या आप एक ऐसे स्थिति में हो आज भी, तो परमेश्वर आपको ये कहना चाहता है कि आपको हार नहीं मानना है। परमेश्वर आपको ये बोलना चाहता है कि बस थोड़ी ही देर है और परमेश्वर की वो बड़ी आशीष आपकी जिंदगी में जल्द ही आने वाली है। तो धन्यवाद प्रिय भाई और बहनों, मैं ये वचन परमेश्वर के द्वारा आपकी जिंदगी में आशीष को उत्पन्न करे, मैं धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू।